controlling training machine. तुम्हें क्या पढ़कर इतना ज्यादा खुश हो रहे हो नौबता? अरे नहीं, मुझे लगा ही था यूनिवर्स के लिए। अगर तुम कहोगे तुम्हें वहाँ जाने के लिए रॉकेट चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन डोरेमोन, तुम फ्यूचर से आए हो ना। भले ही फ्यूचर क्यों ना हो, स्पेस ट्रिप बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तुम्हें पता भी नहीं स्पेस कितना बड़ा होता है नोबिता। वहाँ हवा भी नहीं होती, गर्मी इतनी होती है कि लोहा भी पिघल जाए। ऐसी जगह पर सबको जम भी जाता है। यूनिवर्स बहुत ही खतरनाक जगह है, और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी नोबिता। अरे कहाँ गया वो रॉकेट कंट्रोल ट्रेनिंग मशीन? ये क्या है? ये एक तरह का सिम्युलेटर है। सिम्युलेटर? इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर बैठना है और इस कंट्रोलर के साथ तुम स्पेस एडवेंचर के खूब मजे ले सकते हो। ये डिस्क ऊपर उड़ेगी। इस डिस्क की खिड़की से जो नजारा दिखेगा वो स्पेस से होगा और जो स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब हम किसी प्लैनेट पर लैंड करने वाले हैं डोरेमोन? रॉकेट लॉन्च। अरे ये क्या, ये तो उड़ रहा है।
मैनेज करूंगा। अब क्या करें डोरेमोन? क्या कर सकते हैं, जब तक भागने का मौका नहीं मिलता ऐसे ही रहते हैं। मैं आ गया। कितना डरावना स्पेस फोर्ट है, हमें यहाँ बहुत ध्यान से रहना होगा। अब हमारे साथ क्या होने वाला है? ये यहाँ पे ठीक है। हम तो लॉक हो गए, अब हम भाग नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाथ का इस्तेमाल करो। हाथ? वो वाला बटन दबाओ। ये वाला? कुछ तो बाहर आया है। इसकी मदद से निकलेंगे। चलते हैं।
ये क्या हुआ डोरेमोन? उसका रेला ने हमारी डिस्कर मशीन को तोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा आखिर वो खजाना था क्या। मुझे लगा कोई अजीब कीड़ा आ रहा था इसलिए मैंने मारा, लेकिन ये है क्या? खजाना तो कॉमिक और खिलौने हैं। तुम्हारे
तुम्हारे पास फोटोग्राफ बनाने का गैजेट होगा ना, और तुम्हें नाम बोलने की इजाजत नहीं है। इस मशीन से शूटिंग करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो चलो शूट करें। हे रुक जाओ, क्या मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं? तुम दोनों मुझे सच सच बताओ। हाँ जी आन। ये मैंने डिजाइन किए हैं। क्या हमें ये बनाना पड़ेगा? इसे बहुत टाइम लगेगा। ये सब कैमरा लाओ। ये सब कैमरा। डिजाइन ड्राइंग सेट। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे फैंस के लिए है। हे हे हे, ये पोज ठीक रहेगा ना? ठीक है, बहुत अच्छे, कुछ भी चलेगा। हाँ, इस बटन से तुम पैनल का साइज एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और फोटो तैयार। और ये हो गई। अरे ये क्या है? अच्छी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें और बड़ा फोटो बनाना चाहिए, समझे? तुम जैसा चाहते हो बना सकते हो। बस बहुत हुआ, मैं इसे तैयार करता हूँ। तुम जाओ और जाकर फैंस के लेटर्स जमा करो। हाँ। जियान को फैन लेटर्स? लेकिन मैं ऐसा लेटर क्यों लिखूंगा भला? मुझे पता है तुम ये नहीं करना चाहते, लेकिन वो जियान है, पता है ना? मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं मैं क्या लिखूंगी। कोई आइडिया सोच लो, इनाम में जियान की फोटोग्राफ मिलने वाली है। लेकिन अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे कहाँ लगाऊंगी? उसे लगाने से बुरी चीजें दूर रहेंगी। अरे सुनो डोरेमोन, तुम उसके फैन क्लब के सदस्य हो, ये कहना मत भूलना, ठीक है? ये एक तूफान की तरह है, इसीलिए हम सबको साथ मिलकर इस तूफान का सामना करना होगा। ये कर्तव्य है, फैन का कर्तव्य है लेटर भेजना। एक हफ्ते का टाइम है, अगर तुमने नहीं भेजा तो सोच लेना क्या होगा। ये जियान का ऑर्डर है। मैं थक गया हूँ। हाँ, बहुत हो गया, चलो आराम करें। अरे आया आया। हेलो, मैं नूबी। मेरा फोटोग्राफ तैयार है, तो बताओ कौन जीता है? जियान, हमने तो अभी सिर्फ लेटर के बारे में बताया है, हमारे पास तो एक हफ्ते का टाइम है ना? हाँ ठीक है, तो एक हफ्ते आगे जाओ, तुम्हारे पास तो टाइम मशीन है ना? अरे नहीं, उसे ये सब करना कितना आसान लगता है ना, मुझे तो डर लग रहा है। लेटर आ तो जाएंगे ना? एक लेटर भी बहुत होगा, अगर एक लेटर भी आ गया तो मैं उसी को फर्स्ट प्राइज दे दूंगा। हमने सबसे बहुत रिक्वेस्ट की है, एक लेटर तो हो गई, एक तो आया ही होगा, जरूर आया होगा। क्या तो एक भी नहीं है, मैं क्या करूं? क्या हुआ डोरेमोन? तेरा लेटर आए। चलो अच्छा हुआ, अब हम फर्स्ट प्राइज सिलेक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कोई तो लेटर जियान को खुश करेगा। अब इतने सारे आए हैं तो कोई तो अच्छा होगा ही। चलो देखते हैं। ये किसका लेटर है? बहुत बुरा है। ये भी बिल्कुल ही बेईमान से लिखा गया है। इसमें लिखा है मैं बिल्कुल भी जियान और उसके गाने का फैन नहीं हूँ। प्लीज मुझे सिलेक्ट मत करना, उम्मीद है ये फोटोग्राफ में ना जीतूं। मुझे तुम्हारे गाने बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे जियान के अगले कॉन्सर्ट का इंतजार है, क्योंकि अगर मैंने गाना सुना तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा और इस वजह से मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जियान का गाना अच्छा नहीं है, ये सुनकर मुझे बुखार आ जाता है। जियान के गाने सुनने के बाद जब कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये क्या है? सब जियान को सीधे नहीं बोल सकते, इसलिए वो लिख रहे हैं। ये सारे लेटर्स हम जियान को कैसे बताएंगे? डोरेमोन, तू बताओ क्या हुआ? हाँ जियान, लेटर्स आ गए हैं, पर सारे लेटर्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखे गए हैं जियान। क्या सच में? तो कौन जीता है? हम अभी सिलेक्ट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर और रुको। क्या करें, क्या करें? शांत हो जाओ, अब वक्त है शांति से और ध्यान से सोचने का, ठीक है? क्या करें? एक चीज है मेरे पास, गुड एग्जांपल लेटर पेन।
टीवी पर आएगा तो प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाएगी और इससे उसे बहुत पैसे मिलेंगे। वो बहुत जल्द अमीर हो जाएगा। जियान, मैं तुम्हारा फैन हूँ और पूरा देश जियान को टीवी पर देखने का इंतजार कर रहा है। हाँ डोरेमोन, ये ठीक रहेगा। ये सब कुछ झूठ लिखा है। जियान ये आसानी से समझ जाएगा। अब से प्लीज अपना गाना इसी तरह जारी रखना, मेरे लिए, सबके लिए और हमारी इस दुनिया की शांति के लिए। क्या बात है, पहली बार मुझे ऐसा सच्चा और अच्छा लेटर मिला है। तो तेरा यही फर्स्ट प्राइज होगा। लेकिन ये किसने लिखा है, इतना खूबसूरत लेटर किसने लिखा है, बताओ ना। किसने लिखा ये लेटर? वो ये, बताओ ना कौन है वो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो नोबिता। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा फैन मिला है। ठीक है, यहाँ आओ और अपना इनाम लो।